नमस्कार दोस्तों, पेन ईयर वाई की आईडी मैंने खुद ऑनलाइन परचेस किया था 900 रुपये की। इसके बाद से 4 महीने के बाद मेरी जो सर्विस है उनको बंद कर दिया गया था। इसके बाद से कंपनी का कॉल आता है और बोलते हैं कि आपको जो वीडियो के वाई से है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आप खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड करोगे इस प्रकार से और वो उस पर अपना पेन नंबर बताओगे और कंपनी का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद से आपकी जो सर्विस है उनको दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। तो वीडियो के वाई से किस प्रकार से करते हैं इस पर भी मैं आपको वीडियो बना दिया है, अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद से जैसे मेरी सर्विस चालू हुई और मैं कंटिन्यू काम कर रहा था, इसके बाद से कुछ महीने के बाद मेरी जो सर्विस है दोबारा से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद से कंपनी का फिर से कॉल आता है कि अब आपका जो फिजिकली केवाईसी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि फिजिकली केवाईसी के लिए मुझे कहीं पर जाना पड़ेगा या फिर आपका जो बंदा है वो मेरे घर पर आएगा या फिर मेरी शॉप में आएगा। तो उन्होंने बोला कि आपका जो सेल्समैन है वो आपकी शॉप में आएगा और फिजिकली केवाईसी करेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो अगर आपकी भी पेन ईयर वाई में सर्विस बंद हो चुकी है फिजिकली केवाईसी ना होने की वजह से, तो सबसे पहले आपका जो सेल्समैन है उसको कॉल करना है और बोलना है कि सर आप किस दिन आ रहे हो केवाईसी करने के लिए, मतलब जब भी आना तो आप एक दिन पहले मुझे कॉल करके बता देना। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन मैनेजर आता है तो उस दिन आपकी शॉप बंद होती है या फिर आप कहीं और रिश्तेदारी में चले जाते हो, जिस वजह से आपकी जो केवाईसी है वो अधूरी रह जाती है। तो उसको कॉल करके ऐसे ही बोलना है कि आप जिस दिन आना है आपको एक दिन पहले ही कॉल करके बता देना है। अगर आपकी शॉप में है तो शॉप में आ सकता है और अगर आप घर पे ही काम करते हो तो आपके घर में आ सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्स मैनेजर ने मेरी फिजिकली केवाईसी किस प्रकार से कंप्लीट किया। तो सबसे पहले उसका कॉल आता है और बोलता है कि सत्येंद्र मेरा आपका जो एड्रेस है वो किस जगह है, क्योंकि मेरी कोई शॉप वगैरह नहीं है, मैं जो कुछ भी काम करता हूँ वो घर पर ही करता हूँ। तो मैंने बोला सर आप इस एड्रेस पर आ जाइए, मैं घर पर ही मिल जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे घर पर नहीं आया बल्कि जो चौक वगैरह होता है वहाँ पर आके वो लोग खड़े थे। इसके बाद से बोलता है कि आप अपना मोबाइल लेके और यहाँ पर आ जाइए। इसके बाद से मैं उनके पास जाता हूँ और उन्होंने मेरा आधार नंबर पूछते हैं। इसके बाद से जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है मैंने उनको व्हाट्सअप करके दिया, क्योंकि एड्रेस प्रूफ के लिए वहाँ पर ज़रूरी पड़ती है। इसके बाद से मेरा थम्स इम्प्रेशन लेके और बायोमेट्रिक कंप्लीट कर दिया ओनली 5 मिनट में। इसके बाद से जैसे कंप्लीट होता है तो तुरंत से मेरे मोबाइल पे सक्सेसफुल का मैसेज आता है और मेरी जो सर्विस है वो चालू हो जाती है। और मुझे यहाँ पर एक व्हाट्सअप बिजनेस करके आप यहाँ पर देख सकते हो फ्री में उन्होंने दिया, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से सुनना है, वरना फ्यूचर में आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। क्योंकि ये जो बंदे आए थे मेरी केवाईसी करने के लिए, ये तो जो PNERY है उसके ऑथराइज पर्सन थे और मेरे सेल्स मैनेजर थे। इस वजह से मैंने रोड पे ही उनको थम्स इम्प्रेशन लगा के और केवाईसी कंप्लीट करवा लिया, क्योंकि मैं उनको जानता पहचानता हूँ, उनका मोबाइल नंबर मेरे पास था और मुझे विश्वास था, इसी वजह से मैंने कंप्लीट करवा लिया। तो आप इसी का फ़ायदा कुछ स्कैमर लोग भी उठा सकते हैं केवाईसी के नाम पे। तो जब तक आप किसी बंदे को सही तरीके से जानना लो पहचानना लो, तो किसी अनजान व्यक्ति को इस प्रकार से रोड पर खड़े खड़े आपको केवाईसी वगैरह नहीं करवाना है, वरना आपके साथ भी फ्रॉड या फिर स्कैम वगैरह भी हो सकता है। तो ये जो छोटी सी सावधानी आपको ज़रूर रख लेना है। बाकी उन्होंने मुझे जो बिजनेस फ़ोन पे दिया है केवाईसी कंप्लीट करने के बाद, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और PNERY का भी धन्यवाद। और उन्होंने बोला कि अब आपको आगे से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो सर्विस है वो रेगुलर चालू रहेगी, क्योंकि आपकी जो फिजिकली KYC वो बाकी थी जो कि मैंने 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार से आप भी करवा सकते हो। सबसे पहले तो मैनेजर को आपको कॉल कर लेना है।